हरियाणा चुनाव से पहले जहां राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात हुई है और राहुल गांधी से करीब 15 मिनट तक चली मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने है। इस मुलाकात के दौरान क्या हुई बात, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस बड़े फैसले ले रही है उसकी अब लिस्ट को लेकर भी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत से करूंगी बात। उससे पहले बजरंग पुनिया लड़ सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव, खबर जानिए। हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं बजरंग पुनिया। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, 15 मिनट की ये मुलाकात, क्या हुई बात और चुनाव लड़ने को लेकर भी ये साफ हो गया कि किस तरीके से इस मुद्दे को भी कांग्रेस पूरी तरीके से भुनाना चाहती है, एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, टीवी 9 ने जैसा कि अपने दर्शकों को बताया था कि दो दिन जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उस बैठक में विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया के नाम पर कोई चर्चा नहीं की गई। सूत्रों ने यह बताया कि इस मामले पर युवाओं का मसला है, इस मामले पर राहुल गांधी की तरफ से फैसला होगा। और आज जब सुबह राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर जाने से पहले 15 मिनट की मुलाकात की, उसके साथ ही अहम बात यह है कि सियासी तौर पर जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी मुलाकात की है। यानी अब मामला सिर्फ खिलाड़ियों के सम्मान से आगे बढ़कर सियासी हो चला है और सूत्रों का यह कहना है कि बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट के दिल में यह भी है कि शायद वो अगला ओलंपिक खेलना चाहती हैं या फिर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनका मन टटोल रही है। अगर वो चाहेंगी तो उनको भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जब उतरेगी तो निश्चित तौर पर वो भुनाना चाहेगी इस मुद्दे को। और बजरंग पुनिया अगर मैदान में उतरते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात ये बताती है कि मामला अब सिर्फ खेल खिलाड़ी का नहीं सियासी हो चला है और ये एक बड़ा कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा दांव उसके पक्ष में आ सकता है।